आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ इसीलिए हम लोग दुखी है, और कोई बात नहीं है। ये सिर्फ प्रॉक्सी रोहना सिंह है लड़कों पे, लड़कियों पे, लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हुए। ये देखिए आप देख सकते हैं लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रही है लोग, लड़कियों के ऊपर हाथ उठा कर, आप देख सकते हैं किस तरह से लड़कियों के ऊपर ये हाथ उठा रहे हैं, यही व्यवहार है यहाँ पे। देख सकते हैं पुलिस वाले छात्र के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, सकते हैं अभी क्या हो रहा है। ये देख सकते हैं चीफ डॉक्टर का लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार कर रही, बाल के थप्पड़ मार रही है लड़कियों को। हम लोग बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, सुंदर 15 बैच के। क्या कारण है जिस कारण आप लोग यहाँ पे धरने पे? हम लोग यहाँ पे एडमिशन हुआ था, आपको पता है एंट्रेंस के थ्रू होता है, ठीक। यहाँ पे हम लोग आए, फर्स्ट ईयर क्रॉस कर गए, सेकेंड ईयर में क्या हुआ कि हमें पता चला कि हमारे बैच का संदर्भ 15 बैच का रिकॉग्निशन नहीं है। रिकॉग्निशन पता ही होगा क्या होता है, ठीक है, रिकॉग्निशन नहीं है। तो फिर ठीक है, हम लोगों ने फिर लगा कि आज नहीं है कल हो जाएगा। हम लोगों ने अपनी टीचर से पूछा कि मैम हमारा नेट पे शो क्यों नहीं करता है कि नहीं, तो वो भड़क जाती थी, बोलती तुम लोग को सब काम है बस पढ़ाई करो, जो भी ये है तुम स्टूडेंट है तुम स्टूडेंट का काम करो, हम टीचर हैं हम टीचर काम करेंगे, ठीक। ये बात खत्म हुई, फिर हम लोगों ने फिर हमने थोड़ा आगे प्रोसेस किया कि नहीं अभी तक नहीं हो रहा है तो हमें वरी होना चाहिए। तो फिर हम गए आईएमएस डायरेक्ट के पास और फिर लेटर लेके, ठीक है, वहाँ पे गए तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया, वो मिले नहीं डायरेक्ट, ठीक। उसके बाद फिर ये प्रोसेस थर्ड फोर्थ ईयर में पहुँचे हम लोग, फिर हम लोग के लिए ज़्यादा चिंता बात हो गई ना कि अभी हम लोग पास कर जाएंगे उसके बाद हम लोग पहचानेंगे नहीं, हम लोग कोई काम नहीं करेगा। फिर हम लोगों ने गया फिर आईएमएस के डायरेक्टर के पास गए, वहाँ पे उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो? बोला कि हाँ ठीक है हो जाएगा, बस यही सब बोलते हैं, ठीक है हो जाएगा, तुम लोग चिंता मत करो। आप लोग यहाँ धरने पे? यहाँ पे सुबह 9 बजे से बैठे। कौन आया है यहाँ पे? देखिए डॉक्टर आई सबसे पहले, हमारी टीचर आई, उन्होंने कुछ बात भी नहीं किया, बस बोली बैठे रहो तुम लोग कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारा ही काम करने जा रहे थे तुम लोग यहाँ बैठे हो। 3 साल से हमने उन्हें वक्त दिया है, 3 साल से नहीं कि आज हम लोग जब देख रहे हैं कि इतने बच्चे भड़क गए हैं, तब देखा जाए तो अभी एक वीडियो वायरल हो रही जिसमें रोहना सिंह, हाँ वो आई, ठीक है, उन्हें हमने एप्लीकेशन दिया गया था कल की, ऐसी ऐसी बात है, वो आई, आप आती पहले बात करना चाहिए ना, ठीक है। हम लोगों ने किसी ने हाथ नहीं उठाया, ना तो गाली गलौज कुछ भी नहीं किया, शांति से बैठे हैं, वो आते ही ऐसे उठा उठा के सबको भगाने लगी, लड़कों को मारी, लड़कियों को मारी, ठीक है, ऐसे मार थप्पड़ ही मारी किसी को, ये कोई तरीका होता है? हम लोगों ने कभी किसी पे हाथ नहीं उठाया, उनके जो भी कर्मचारी थे, उनके जो कर्मचारी थे ये हमारे पोस्टर फाड़ दिए, सबसे छीन के फेंक दिया गया पोस्टर्स, ये क्या तरीका होता है? हम बात करने बैठे हमें कोई प्रॉब्लम होगी तभी हम बैठे हैं, हमें तो शौक नहीं लगाया कि ऐसे किसी को ब्लॉक कर दें, तो बात पूरी सुननी चाहिए ना। जब भी हम लोग बोलते हैं तो बोला हाँ ठीक है होता रहेगा होता रहेगा, 3 साल से हो रहा है, हम लोग मजबूर हुए काम करने के लिए।